तो अभी इसको खत्म करते हैं धीरे धीरे, बराबर इसका हम ऑर्डर निकालते हैं। और राइड प्लान हो गई यार भाई, बाइक ले रहे हैं डोमिनार 400 घर से। चॉकलेट सैंडविच का, दो सैंडविच का ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है, कौन देगा वो? तो तुम जानो ना एडमिन, तुम मीटिंग तुमने बुलाया इधर और बिल हमारे नाम पे भर रहे हो अनुराग भाई। ये बिल भी यही लिए नाम पे बटे हैं। ये ऑनलाइन नहीं लेंगे वो लोग? अरे कुछ नहीं, एडमिन झाड़ू पोछा कर देगा अपने को क्या है। हाँ तो कर दूंगा मैं, बोल रहा है सफाई कर दूंगा। किसी के पास केस नहीं पड़ा और यहाँ क्या है कि कैसी चलता है। मैं टेबल साफ सफाई कर दूंगा, सबके पास गूगल पे में लाखों रुपए। अपनी नई राइड जल्दी होने वाली है तो गैस करना हमारी राइड कहाँ की है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो बढ़िया ही रहना, आज नया दिन नई शुरुआत। आज है संडे और राइड आज राइड पर नहीं गए गाइस, क्योंकि आज मीटअप है हमारे ग्रुप का, द डार्क हर बाइकर क्लब। और यहाँ पे आ चुके हमारे जयराज भाई। जयराज भाई, जयराज इसका तो कुछ अलग ही चलता रहता है। और 5 बजे मीटअप था, बज रहा है अभी 6 और 1 घंटा लेट। तो चलो चलते हैं सीधा गोप्रो में, एसजी हाईवे जाना है। तो सब लोग पहुंच भी गए, एक आध दो आदमी पहुंच गए, दूसरे सब मेरे जैसे ये लेट लतीफ। तो मजा आएगा, चलो 8 बजे तक वहां बैठते हैं, गपशप करते हैं दोस्तों के साथ, नेक्स्ट राइड प्लान करते हैं और गोप्रो में। पहले करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो मैंने इसमें डीबी किलर लगा दिया है। अभी डीबी किलर से क्या पुलिस ज़्यादा नहीं पकड़ेगी ना यार, तो डीबी किलर लगा दिया है तो कॉल स्टार्ट होने देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसका डीबी किलर हटा दे यहाँ से। तो गाइस डीबी किलर निकल चुका है, तो ऐसा कुछ डीबी किलर होता है रेस का स्क्रू। अभी स्टार्ट करते हैं भाई, थक गया तेरी बैंड मजा आ गया। तो गाइस बहुत दिन बाद मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आप लोगों से बात नहीं होती ना तो मजा नहीं आता, हर संडे एक ना एक ब्लॉग बनाना ही पड़ता है। और आज ब्लॉग में खास ये है कि हमारा मीटअप है आज। आज हमने राइड नहीं किया, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। हमारे एक दोस्त है रवि भाई मोडासा से, उनका आज कॉल आया था कि भाई यहाँ आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो एक बार आप मोडासा आइए, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। तो रवि भाई 101% आपको मौका मिलेगा, शायद इस महीने का आखिरी ब्लॉग हो, क्योंकि अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो मैं उसकी तैयारी में जुट जाने वाला हूँ। तो माफ़ करना गाइस, आज रवि भाई का कॉल आया था कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्योंकि हमने 3 साल साथ में जॉब किया है मैंने और रवि भाई ने। तो रवि भाई ने सब लोगों से मेरी चैनल वहाँ मोडासा के अंदर सब्सक्राइब किया की हुई है, तो सब लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन करवाया था रवि भाई से कि भाई ब्लॉग नहीं आ रहे, कुछ बात करो, तो इसलिए आज ब्लॉग बना रहा हूँ। वरना मैं मीटअप में जाने पर भी आज ब्लॉग नहीं बनाने वाला था। तो मोडासा के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे रवि भाई ने हमसे फ़ोन पे बात किया था, कि उन लोगों की फरमाइश ये है कि हमें लाइव आपके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुननी है भाई। तो ये फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी कि हमें लोग, मतलब हम लोगों को एक्टिव, मतलब देखते हैं ना लोग, मतलब हमारे सामने लोग देखते हैं तब हमारे एग्जॉस्ट की साउंड की वजह से ही देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नहीं कोई राइडर जा रहा है भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कैफे पर, अपनी बाइक लग चुकी है अंदर। अरे मेरा बर्गर लाया कि नहीं लाया? मेरा बर्गर लाया कि नहीं लाया? है ब्रदर, बर्गर बर्गर के ऑर्डर देते हैं कोई? अरे 1 घंटे पहले बोला था कि नहीं ग्रुप में अनुराग भाई? तो जल्दी होता है उसको फास्ट फूड बोलते हैं। बैठ गया था तुम लोग मैसेज करते बोले। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं एसजी हाईवे डैनी कैफे, और हमारे अनुराग भाई। अनुराग भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। और वो तो पता नहीं अपने अलग ही दुनिया में खो आया हो, क्या कर रहा है वो? एडमिन हमारा। आप भाई एडमिन कर क्या रहा है? वो ऑर्डर ले रहा है। उसका क्या फास्ट फूड का शॉप है, तो अभी फोन पे काम चला रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर लेते जा रहे हैं। कौन सा सैंडविच? चॉकलेट। और हमारी कॉफी
और अभी दूसरे लोग भी आना बाकी है, तो इसको गरम गरम है, इसका तो वो जल गया, तो अभी इसको खत्म करते हैं धीरे धीरे, बराबर इसका हम ऑर्डर निकालते हैं। तो गाइस ये अपने मीर भाई बारोट हमारे ग्रुप के एडमिन, तो एडमिन साहब यहाँ पर आए तो है पर उनका मन अभी भी घर पर है, क्यों एडमिन साहब ऐसा क्यों? तो एडमिन साहब इधर आए, पहले कॉफी मंगवाई, बोल रहे ठंडी है, ठंडी करके एक बढ़िया सी सीप ले ली और मुंह जल गया, उसके बाद फोन आया, मैं पहले ही बोला कि इनका फास्ट फूड का शॉप है, मतलब घर से चॉकलेट सैंडविच का, दो सैंडविच का ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है, कौन देगा वो? तो तुम जानो ना एडमिन, तुम मीटिंग तुमने बुलाया इधर और बिल हमारे नाम पे भर रहे हो अनुराग भाई, ये बिल भी यही इन्हीं के नाम पे पड़े हैं। और अभी जो आए ना ये बिल भी उनके ना माथे पे ही पड़ने वाला, क्योंकि उनके भाई ने मस्त शादी कर ली। नहीं वो रिसेप्शन मेरे को रखने गए, तो वहाँ पे हमको नहीं, यहाँ पर्सनल चाहिए ना, पर्सनल में नहीं मजा आएगा फिर उस टाइम पे भी, बोलना मत कि ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ भी हो बिल तो अभी फटेगा अनुराग भाई, सही है कि गलत है? एक एक कॉपी भी कैसे फटेगा? अरे एक एक कॉपी नहीं, अभी तो होगा, अभी तो कारवा बनेगा, वो भी नहीं देगा टाइगर वाला, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ये ऑनलाइन नहीं लेंगे वो लोग? अरे कुछ नहीं, एडमिन झाड़ू पोछा कर देगा, अपने को क्या है? हाँ तो कर दूंगा मैं, बोल रहा है सफाई कर दूंगा, किसी के पास कैश नहीं पड़ा और यहाँ क्या है कि कैसे चल रहा है? मैं टेबल साफ सफाई कर दूंगा, सबके पास गूगल पे में लाखों रुपए पड़े और एडमिन के पास तो करोड़ों पड़े, पर अभी रोकड़ा किसी के पास नहीं, तो एडमिन साहब हमारी वती बासन घिस लेंगे, वॉशरूम साफ कर, वॉशरूम साफ कर देगा, इधर कचरा झाड़ू कर देगा, सब कुछ कर दोगे ना एडमिन साफ कर दूंगा, अबे मत फंसाना, अम्मा एडमिन अपनी दुकान के कागज साथ में लेके चलता है, जहाँ डॉक्यूमेंट हो घर के कागज, घर के कागज जरूरत पड़ी ले, क्या बोलता है साला, मरवाएगा मेरे को ऐसा मीटर नीचे। हमारे दो नए भाई आ चुके, प्रणु भाई कैसे हो? अभी भाई तो हमारे पास कैश खत्म हो गया था, तो भाई को बुलाया कैश लेके, उसका भाई भी कैश ले, उसका पता नहीं अभी तक उसका ऑर्डर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अनुराग भाई उसका ऑर्डर कैंसिल करवाओ ना, वो तो डिलीवरी करने निकला था तो यहाँ आ गया, बोलने नहीं आता, तो डिलीवरी का पैसा मिला कि नहीं मिला उसको? तभी उसने आज मीटअप रखा है, उसको यहाँ आना था ना, इसलिए मीटअप रखा, डिलीवरी भी पेमेंट ऑनलाइन वाला था। ओ एडमिन, अरे ऑर्डर कैंसिल हुआ कि नहीं तुम्हारा? तो ये अपने सोमनाथ भाई है, 500 रुपए का अभी हमें भरूच से डायरेक्ट मीटअप कर रहे हैं फोन से, वहाँ पे वो माधवपुर बीच है, शिवराजपुर बीच है, तो सोमनाथ भाई कैसे हो? सुबह जाएंगे, मतलब सुबह अपने पहुंचेगे, सुबह वहाँ दर्शन करेंगे, बेट द्वार का चले जाएंगे, और अपने भाई बाइक ले रहे हैं डोमिनार 400, फिर शाम को ऐसा होगा तो शिवराज सोमनाथ भाई बाइक कब ले रहे हो? कांग्रेचुलेशन, फिर उसके बाद धोलावीरा नाना बेट वो सब ले लेंगे, हाँ कांग्रेचुलेशन एडवांस, ऐसा कर लो कि शुक्रवार के रात को ही 11 बजे तक अपने घर पहुंचने का ऐसा सेटिंग करने का, बराबर ना अनुराग? ये हमारे दीक्षित भाई आ चुके, दीक्षित भाई चलो, दीक्षित भाई जय माता जी, मीर भाई मड़िया ना, ना ये जगह नहीं एट अंदर मुकी दीदू। तो गाइस मीटअप हो चुका है जैसे आपने देखा वीडियो में, और मजा आ गया दोस्तों को मिलने के बाद, 5-6 दोस्त मिले, बहुत दिन हो गया था हमारे द डार्क बाइकर क्लब से मिले हुए, और राइड प्लान हो गई यार, तो शायद 12-13 तारीख सैटरडे संडे की राइड बनी है, तारीख कौन सी वो मालूम नहीं, पर सैटरडे संडे है, जो मेरे को जाना था रवि भाई को मिलने के लिए मोड़ासा कि ऐसा कुछ गांव था वहाँ मिलने के लिए, तो रवि भाई सॉरी ये नहीं, पर नेक्स्ट उसके बाद जो संडे आएगा या उसके नेक्स्ट संडे ज़रूर मिलेंगे भाई लोगों से भी आपके, और माफ़ करना कि अपनी बात से मुकर रहा हूँ मैं, पर कोई नहीं, मिलना लिखा होगा अगले संडे तो तभी मिलेंगे।
चलो कोई नहीं गाइज, मज़ा आया इतने दिनों बाद हमारे ग्रुप से मिल के मीटअप करके, और मीर भाई की उड़ाने से भी मज़ा आया। तो ऐसे मज़ा आने चाहिए लाइफ में, आप जिंदगी जीते हो पर थोड़ा सा टाइम अपने के लिए भी यार निकाला करो, क्योंकि बहुत नौकरी चक्कर घर के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो माइंड है ना डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब माइंड के फ्यूज़ उड़ जाते हैं गाइज। थोड़ा टाइम अपने के लिए भी होना ही चाहिए लाइफ में। तो हम पूरा 6 दिन नौकरी धंधा फैमिली टाइम सब देते हैं, उसके बाद एक संडे हमारे लिए निकालते हैं जब हम हमारे लिए कुछ कर पाए। एक शिफ्टर आने के बाद तो लाइफ मज़े ही मज़े आ गए भाई बाइक चलाने में। और डीबी किलर निकलते ही भाई बाइक का साउंड बहुत तेज हो चुका है, 2 बार पुलिस पकड़ते बच्ची सही नहीं करके निकला हूँ मैं यार। तो गाइज अभी पहुँच चुके हैं घर, और अभी रात के बज रहे हैं 11 बजने में 15 मिनट बाकी, और अभी हम थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचे। जस्ट वीडियो एडिटिंग किया और देखा कि वीडियो एंड करना भूल गए, तो इसलिए वापस आए, और पता नहीं इसको क्यों रोना आ रहा है। क्यों रो रहा है जयराज? रोता रहता है। तो आप देखो कि अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी, अभी वीडियो एडिटिंग किया, खाना खाऊंगा, सोऊंगा, अभी आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, फिर नींद आएगी कि नहीं आएगी वो बड़ी बात है। तो इतना मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब ठोक दो, कूड़ी मारो, कुछ भी करो पर सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल बढ़िया ग्रो कर रही है अपनी और आगे भी बढ़े, 3K करवाना है जल्दी, तो फटाफट चलो सब्सक्राइब कर देना, पूरा वीडियो देखना, रोना बंद कर बेटा। तो चलो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। अपनी नई राइड जल्दी होने वाली है, तो गेस करना हमारी राइड कहाँ की है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलो।